आजकल शाहरुख खान का डायलॉग बहुत चल रहा ना, जवान फिल्म का सुने होंगे आपने, शाहरुख खान का आज डायलॉग चल रहा है जवान फिल्म का, वो बहुत बोल रहा है अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ में डेढ़ फुटिया, तो सुन ले डेढ़ फुटिये, आजमी साहब तक पहुंचने से पहले खान साहब से निपट, तेरी औकात है, तेरी औकात है डेढ़ फुटिये मुर्गी चोर, अगर है तो खान साहब से निपट आके औरंगाबाद में, तेरे अगर दम है तो आ औरंगाबाद में लड़ इलेक्शन यहां से। अगर कोई मुसलमानों के महापुरुषों पे बोलना बोला अगर या सोशल मीडिया के ऊपर जाके कुछ कहता है तो उसके ऊपर भी इसी तरीके के केस, अट्रासिटी के जैसा केस होना चाहिए। या मुसलमान नेताओं से बोल लूंगा जो भड़काऊ भाषण करते हैं, जो मुसलमान नेता मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं, उनको भी मैं बोलूंगा कि कुरान के अंदर खुले अल्फाज में लिखा हुआ है कि देखिए जय सियाराम के नारे से हमें कोई एतराज नहीं, हमें वंदे मातरम से एतराज है, मैं खुले अल्फाज में बोलता हूँ, और हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अबू आसिम आजमी साहब ने कई बार अब कई मंचों से कहा है अल नूर कंपनी, लग रहा है मुसलमानों का नाम, ऐसा लगता है अल नूर सुनते से लगेगा कि अरे कोई मुसलमान की फैक्ट्री होगी, मगर उसके कौन मालक, सुनील सूद, हिंदुस्तान से और हमारे राज्य से ये भड़काऊ भाषणें बंद हो। पुणे के अंदर खड़े रह के कह रहा था कि हमारा इतिहास तुमको नहीं मालूम, हम काटते गते मुर्गी काटक कभी ये मुर्गी चोर डेढ़ फुटिये को सबक नहीं सिखाया गया तो औरंगाबाद शहर से समाजवादी पार्टी के जियाले निकलेंगे और तेरे घर पे आएंगे। याद रख ले मुर्गी चोर, याद रख ले, तुझे सबक सिखाने का काम हम करेंगे। तो हमारे साथ जो लोग यहाँ शामिल हुए, जैसा बीआरएस के हमारे अरविंद कामले साहब और अभय टकसाल साहब, सीपीआई के और भी जो दूसरे घटक हमारे साथ आज यहाँ इस धरने में शामिल हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और समाजवादी पार्टी का ये धरना आंदोलन जिस मुद्दे पर रखा गया है, हेट स्पीचेस के खिलाफ में, भड़काऊ भाषणों के खिलाफ में, आप लोगों ने सभी चीज़ें तो समझ ली, हमारे अरविंद भाई ने भी सभी चीज़ें डिटेल में समझा दी। उसी तरीके से आज देश और दुनिया, देश और हमारे राज्य के अंदर ये हो रहा है कि भड़काऊ भाषणों के जरिए एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, आक्रोश रैलियां निकाले जा रही है, और वो आक्रोश रैलियों के अंदर कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को लाओ, उनकी घर वापसी करो, हम वो लड़कों को 2-2 लाख रुपए देंगे, हम उन्हें नौकरियां देंगे। तो मैं ये बात आप आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है मुसलमानों के पास। लव और जिहाद, देखिए जिहाद एक पाकीजा वर्ड है, जिहाद क्या चीज है मैं आज अरविंद भाई आपको समझाना चाहता हूं और हमारे हिंदू भाइयों को भी आज समझाना चाहता हूं। जिहाद ये होता है, हमारी मुस्लिम बहनें यहां बैठी हुई है, आप इनसे पूछिए जिहाद क्या चीज होती है। रमजान का महीना है, रमजान आपको, आप सभी को मालूम होगा कि गर्मियों में आ रहे हैं, रमजान का महीना है, भूख और प्यास शिद्दत की लगी हुई है, ये हमारी बहनें रसोई के अंदर खड़े रह के बना रही है कुछ खाना वगैरह, पानी सामने रखा हुआ है मगर एक घूट नहीं पीती, ये नफ्स का जिहाद है, इसे जिहाद कहते हैं। मोहब्बत को और जिहाद को मत जोड़ो, लव और लव जिहाद ये कोई अर्थ ही नहीं बनता। हाँ, अगर आपको जिहाद देखना है मुसलमानों का और मोहब्बत देखनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुसलमान मोहब्बत करता है वैसी दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता किसी के साथ। जब से लेके आज तक मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते आ रहा है, यह है हमारी मोहब्बत। आप लव और जिहाद मत बताइए। आक्रोश मोर्चे निकल रहे, किसके खिलाफ ही आक्रोश? आक्रोश तो मुसलमानों के अंदर होना चाहिए था, आक्रोश तो हमारे अंदर होना चाहिए था। आप कहते हैं कि घर वापसी करेंगे, बैठो, आप कहते हैं कि घर वापसी करेंगे, किस चीज की घर वापसी? कोई भी समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उसकी बेटी को और उसकी बहू को, उसकी माँ बहनों को अगर कहेंगे कि आप जो है तो दूसरे समाज में शादी करिए, कोई भी ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी माएं बहनें बैठी है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि अगर हमारी बहन बेटी को कोई कहता है तो। मगर आज ये आक्रोश मोर्चे जो निकल रहे हैं, ये आक्रोश मोर्चे इस धरने के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आक्रोश मोर्चे भी बंद होना चाहिए। भड़काऊ भाषण कोई भी समाज का व्यक्ति हो,
चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ में केस होना चाहिए। और केस ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि वो गया और जाके बेल ले लिया तुरंत, उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए, अट्रॉसिटी के जैसा एक कानून बनना चाहिए। आज महापुरुषों के ऊपर, आज हमारे महापुरुषों के ऊपर, कोई भी समाज के महापुरुषों के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति उठ के कुछ बोल देता है तो उसके खिलाफ भी अट्रॉसिटी के जैसा एक एक्ट बनना चाहिए। अगर कोई मुसलमानों के महापुरुषों पर बोलना बोला अगर, या सोशल मीडिया के ऊपर जाके कुछ कहता है तो उसके ऊपर भी इसी तरीके के केस, अट्रॉसिटी के जैसा केस होना चाहिए। या अगर कोई बाबा साहब के खिलाफ में कुछ बोलता है या सोशल मीडिया के ऊपर जाके लिखता है तो उसके खिलाफ भी अट्रॉसिटी के जैसा केस बुक होना चाहिए। या कोई शिवाजी महाराज के ऊपर भी कोई बोलता है तो भी ऐसे ही केसेस बुक होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कुरान के अंदर खुले अल्फाजों में लिखा है, कुरान के अंदर खुले अल्फाजों में लिखा है, मैं मुसलमान नेताओं से बोल लूंगा जो भड़काऊ भाषण करते हैं, जो मुसलमान नेता मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं, उनको भी मैं बोलूंगा कि कुरान के अंदर खुले अल्फाज में लिखा हुआ है कि आप किसी के सच्चे पक्के, आप किसी के मजहब को बुरा भला मत बोलो, उसके एवज में वो पलटा के आपके सच्चे पक्के मजहब को बुरा भला बोलेगा। और मैं समझता हूँ गीता में और हमारे बाइबल में, दूसरे मजहबों में भी लिखा होगा, किसी के मजहब को बुरा बोलने का अधिकार कोई भी मजहब की किताब नहीं देती, ना कुरान, ना गीता, ना बाइबल, ना कोई दूसरी मजहब की किताब नहीं देती है उसको इजाजत। और होता क्या है, रैलियां निकलती है, आक्रोश मोर्चे निकलते, वो आक्रोश मोर्चों के अंदर जो सबसे आगे खड़े रह के नारे देते हैं लोग, वो किसके बच्चे हैं, वो कौन से बच्चे देते हैं नारे, जो कौन से बच्चे हैं जिनके ऊपर केस बुक होता है पता है आपको? वो जो है गरीब समाज के लोग, हमारे समाज के नहीं, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, जिन इनमें से जो गरीब रहते हैं उनको वहां लाके नारे दिए जाते हैं। हमें, मैं और एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं, देखिए जय सियाराम के नारे से हमें कोई एतराज नहीं है। आप कहते हैं जय सियाराम, यानी सियाराम की जय बोलते, लगाइए आप, मगर किसी के मजहब, मजहबी मंदिर या मस्जिद के सामने आके वो नारे लगाएंगे तो उसका दिल दुखेगा। आप उसके मजहब को बुरा मत बोलिए। हमें वंदे मातरम से एतराज है, मैं खुले अल्फाज में बोलता हूं, वंदे मातरम क्या है, क्या है वंदे मातरम? वंदे मातरम यानी वंदना करना, और हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अबू आसिम आजमी साहब ने कई बार, अब कई मंचों से कहा है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू व्यक्ति या दलित या कोई भी दूसरे मजहब का है, कोई पड़ोस में अगर रात को खून मांगे तो उसे खून दो, उसके यहाँ के बीजेपी से डर के नहीं, अल्लाह से डर के दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कहा है कि उसे अपने पड़ोसी की मदद करो, मगर आज इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। हमारे कामड़े साहब ने बताया कि गौरक्षक, आज गौरक्षक निकल चुके हैं सड़कों पे। कहीं अगर कोई दलित भाई, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वाकया सुना था बिहार का, वहाँ दलित, हमारे एक दलित भाई, दो दलित भाई जो है, एक मरी हुई गाय को काट के उसका गोश्त निकाल रही, मर गई थी वो, क्यों? क्योंकि वो गरीब थे, वो कमा नहीं, उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो खरीद के गोश्त ला सके, वो उसको काट के गोश्त निकाल रहे, उनको रास्ते पे मार दिया गया, उनको, उनकी मॉब लिंचिंग हुई। इसी तरीके से मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गौ रक्षक वाले ये ढकोसला करते हैं, सिर्फ ढकोसला, ये गौशालाओं के अंदर गाँव गाय बैल जो भी है जमा करते और इसे बाद में ब्लैक मार्केटिंग से बेचा जाता है। जिस तरीके से हमारे अरविंद भाई ने बताया कि गौ रक्षक जो है, उसी तरीके से पूरे एशिया खंड के अंदर अगर आप देखेंगे, भारत की, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, बाजब्ता रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूं मैं, एशिया खंड के अंदर अल कबीर बोल के एक बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, अल कबीर, लग रहा है ना मुसलमान नाम है करके, अल कबीर एशिया खंड की नंबर एक की बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। और उसका मालक कौन, नाम तो अल कबीर रख दिया इन्होंने, उसका मालक है सतीश सबरवाल। यहां आपको गौ रक्षक नहीं जाते, उसकी अल कबीर की फैक्ट्री का सबको एड्रेस मालूम, नोएडा के अंदर है, मगर वहां कभी गौ रक्षक नहीं जाएंगे। उसी तरीके से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अरेबियन फूड, अरेबियन फूड का मालक कौन, सुनील कपूर, वहां नहीं जाएंगे ये, वहां कभी नहीं जाएंगे, यूपी के अंदर इसकी फैक्ट्री है, वहां नहीं जाएंगे। मगर कोई गरीब आदमी अगर गाय बैल चराते हुए जाएंगे ना,
तो उसको पकड़ के पहले मजहब पूछा जाएगा और उसको मारा जाएगा, ये होता आ रहा है। ऐसे ही देखिए अल नूर कंपनी, लग रहा है मुसलमानों का नाम, ऐसा लगता है अल नूर सुनते से लगेगा कि अरे कोई मुसलमान की फैक्ट्री होगी, मगर उसके कौन मालिक, सुनील सूद। तो ये होता आ रहा है। बीजेपी सरकार जो है सिर्फ हमें मजहब की आड़ में लड़ाना चाहती है, हमारा भाईचारा खत्म करना चाहती है, हिंदुस्तान से गंगा जमुनी तहजीब को ये खत्म करना चाहती है बीजेपी सरकार। और ये इस तरीके से इनकी हरकतें जो हो रही है, हम ये नहीं होने देंगे। इसीलिए आज हम यहाँ जमा हुए, ताकि हिंदुस्तान से और हमारे राज्य से ये भड़काऊ भाषणें बंद हो। और दूसरी एक बात, अभी एक नया निकला मार्केट में, आक्रोश रैलियों के अंदर आ रहा है एक, वो एक डेढ़ फुट का, डेढ़ फुटिया मुर्गी चोर। आजकल शाहरुख खान का डायलॉग बहुत चल रहा ना, जवान फिल्म का सुने होंगे आपने, उसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करा। शाहरुख खान का आज डायलॉग चल रहा है जवान फिल्म का, वो बहुत बोल रहा है अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ में डेढ़ फुटिया। तो सुन ले डेढ़ फुटिए, आजमी साहब तक पहुंचने से पहले खान साहब से निपट, तेरी औकात है, तेरी औकात है डेढ़ फुटिए मुर्गी चोर। अगर है तो खान साहब से निपट आके औरंगाबाद में, तेरे अगर दम है तो आ औरंगाबाद में लड़ इलेक्शन, यहां से मैं लड़ूंगा तेरे सामने, बताता हूं तुझे कौन लड़। ना मेरे हिंदू भाई, ना मुस्लिम, ना दलित, ना सिख, उसे कोई वोट नहीं देगा, मैं गारंटी से बोलता हूं। ऐसे समाज में जो नफरत फैलाते हैं ऐसे लोगों को कौन वोट देगा? अरविंद भाई, मैडम बताइए आप मुझे कौन वोट देगा यहां? अभी कुछ दिन पहले वो खड़े रह के डेढ़ फुटिया मुर्गी चोर बोल रहा था कि हमारा इतिहास तुमको नहीं मालूम, पूना के अंदर, दो दिन पहले की बात है, पूना के अंदर खड़े रह के कह रहा था कि हमारा इतिहास तुमको नहीं मालूम, हम काटते गते मुर्गी काटक कभी उनका इतिहास, उसका बाप मुर्गी चोर था, ये सबको मालूम। शिवसेना ने उसे ऐसा यूं पकड़ के उठाई, मुर्गियां चुराता था बेचारा इधर उधर फिर के, तो पेट पलता था उसका, वो मुर्गी चोर आज हिंदुस्तान के अंदर हर गांव हर शहर में जाके बम मार रहा है। वो बता रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ में किस तरीके से भाषण दे रहा है, आप देखिए। और अगर ये मुर्गी चोर डेढ़ फुटिए को सबक नहीं सिखाया गया तो औरंगाबाद शहर से समाजवादी पार्टी के जियाले निकलेंगे और तेरे घर पे आएंगे। याद रख ले मुर्गी चोर, याद रख ले, तुझे सबक सिखाने का काम हम करेंगे, ये भड़काऊ भाषण बंद कर दे। उसी के साथ आज देश के अंदर हो क्या रहा है देखिए, हमारा देश तो चांद पे पहुंच गया, चंद्रयान पहुंचा दिए हमने चांद पे, मगर नफरत हमने स्कूलों तक पहुंचा दिए। नफरत आप देखिए, मुजफ्फरनगर की वो टीचर जिसने एक मुस्लिम लड़के को खड़े रह के कई समाज के लड़कों से मारा, क्यों उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता? उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? नूह में अगर फसाद हुआ तो वो भड़काऊ भाषण का नतीजा है, मानवत के अंदर फसाद हुआ, मेवात के अंदर फसाद हुआ तो वो भड़काऊ भाषणों का नतीजा है। औरंगाबाद शहर में भी जो फसाद हुआ तो ये वो काला जो था ना हैदराबाद का आमदार बीजेपी का, वो आके यहाँ पकपक करा था, सुदर्शन टीवी का वो मालक, उसने यहाँ आके मार्च के महीने में पकपक करके गया था, उसी का नतीजा था औरंगाबाद शहर के अंदर फसाद हुआ। वरना औरंगाबाद शहर अमन का गहवारा है, हम मानते हैं औरंगाबाद शहर में अमन और शांति किस तरीके से है, मगर ये अमन और शांति को खराब करने का काम वो दोनों ने किया था आके, और समाजवादी पार्टी ने उस वक्त सबसे पहले जाके पुलिस स्टेशन के अंदर 295A बुक करी उसके ऊपर, कोई दूसरे सेकुलर पार्टियां उसमें नहीं आए। और एक बात बताता हूं मैं आपको, ये आक्रोश मोर्चे जो निकल रहे हैं, ये आक्रोश मोर्चों के अंदर अरविंद भाई यही जो लोग सेकुलर जमाते वाले हैं ये सबसे आगे की सफ में खड़े रहते, वहां भड़काऊ भाषण करते जिस तरह विनोद पाटिल ने यहां किया था, अभिजीत देशमुख ने यहां किया था औरंगाबाद शहर के अंदर, वो पैठन का आमदार उसने भी यहां आके भड़काऊ भाषण किया था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमें इसको बंद करना है, ये भड़काऊ भाषणों को बंद करना है, ये नफरत की राजनीति को बंद करना है, तो हमें एक जगह आना होगा। जिस तरीके से आज हमारे समाजवादी पार्टी के धरने आंदोलन में हमारे अरविंद भाई ने हमें सपोर्ट दिया, सीपीआई ने हमें सपोर्ट दिया और दूसरे घटकों ने हमें सपोर्ट दिया, इसी तरीके से सबको आना पड़ेगा। जब तक के हमारी ताकत दिखेगी नहीं, सरकार ये मानने वाली नहीं है।
हमें सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, और जब हम प्रेशर बनाएंगे जब ये सरकार होश में आएंगी। जैसा अरविंद भाई ने बताया 2024 के अंदर हमें एक जगह आना है और ये चाय वाले को सबक सिखाना है। मैं आखिर में, वक्त का बहुत तकाजा है क्योंकि निवेदन देने भी जाना है, मैं आखिर में एक शेर कहूंगा और उसके बाद अपने भाषण को विराम दूंगा। देखिए आज मुल्क में जो हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो हो रहा है, तो उसकी के ऊपर एक शेर है, मोहब्बत का सफर, मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा, जुनून का खेल अरबाब सियासत से नहीं होगा, मोहब्बत का सफर, मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा, जुनून का खेल अरबाब सियासत से नहीं होगा। हम ही उठेंगे जब निकलेगा दम फिरका परस्ती का, ये खेल इंसानियत का है, मोहब्बत से नहीं होगा।